यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। हेलो 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 सर। हाँ हेलो हेलो हाँ हेलो। नमस्कार, मेरा नाम धैर्य कुमार मल्होत्रा, DK मल्होत्रा है। मैं 4-5 लोगों का बॉस हूँ, इसीलिए वो मुझे बॉस DK मल्होत्रा भी बुलाते हैं। कोरोना हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। भाई साहब, मेरे को लग रहा है मुझे कोरोना हो गया। एमरजेंसी सेवाओं में मैं आपकी हेल्प के लिए 24 घंटे 7 दिन 1 महीना और पूरा साल तत्पर हूँ। अरे भाई जल्दी कर, मुझे लग रहा है मैं मरने वाला हूँ। अरे भाई, जल्दी का काम शैतान का होता है। सबसे पहले तो आपको धैर्य रखना चाहिए। इत्तफाक से मेरा नाम भी धैर्य ही है। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? लकी लकी। हाँ तो लकी लकी। मेरा नाम एक बार लकी है। हाँ तो एक बार लकी। आपकी समस्या बताइए। भाई मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं पिछले 2.5 महीने से घर से बाहर नहीं निकला और घर बैठे बैठे मुझे ही कोरोना हो गया। लकी जी, पहले तो आप अपना नाम बदलिए। आपके नाम में ही समस्या है। आप अपना नाम लकी से बदल कर मनुस रख लीजिए। तो मैं आपका नाम सिस्टम में मनुस के नाम से फीड कर रहा हूँ, चलेगा? हाँ, चलेगा। हाँ तो लकी जी, आप अपना एड्रेस बताइए। हाउस नंबर 180/3, सेक्टर 8, लखनऊ। हाँ तो आपका एड्रेस है हाउस नंबर 60, सेक्टर 8, लखनऊ। अरे भाई ये एड्रेस है, ये डिवाइड थोड़ी ना होते हैं। जल्दी कर भाई, मुझे मौत नजर आ रही है भाई, प्लीज भाई। हाँ तो कोरोना का दूसरा नाम मौत ही है। कोरोना के इलाज से पहले आपको कोरोना के बारे में जान लेना चाहिए। कोरोना 6 अक्षरों का शब्द है, जिसमें 3 वोवल यानी 2 बार ओ और 1 बार ए शब्द का प्रयोग किया गया है। पुराणों के हिसाब से इसका पूर्वज COVID-19 को बताया गया है। कुल मिला के बात ये है कि यही है। अच्छा ठीक है, आप मुझे इसका इलाज बताइए। अच्छा सुनिए, आपके घर में फिनाइल है? हाँ पी लिया पी लिया। नहीं पीना था। अब आपकी मौत निश्चित है। क्या? सबसे पहले तो शांति रखिए, धीरज रखिए और धैर्य तो जरूर रखिए। आपको पता ही है मेरा नाम। भाई मेरे पास कुछ भी रखने का टाइम नहीं है। खैर छोड़िए, मेरे साथ साथ दोहराइए। हे प्रभु, हे भगवान, अल्लाह, अल्लाह, वाहेगुरु, वाहेगुरु। One eternity later. मुझसे जो भी पाप हुए हैं, मुझसे जो भी पाप हुए हैं, उन्हें माफ कीजिए। उन्हें माफ करना। और मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी शरण में। ए चुप, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। चाहो ना चाहो, एक दिन सभी को मरना है, क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे इंसान कभी भी दूर नहीं रह सकता। ये साला मुझे मार के दम लेगा। पापा आप बाइक निकालो, आपके साथ ही चलता हूँ मैं। इंसान बेखबर रहता है और मौत पल पल उसके करीब आ जाती है, और एक दिन बहुत करीब आ जाती है।